एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ बेटा, सर वो शांभवी सर 116 सर, उस टाइम पे मेरा माइक नहीं अनम्यूट हो रहा था और फोन हैंग हो गया था सर लास्ट क्लास में। अच्छा, कोई इशू नहीं। यस आप प्रेजेंट थी ना उस टाइम पे? ये चैट पे मार्क किया था बट जब आपने बोला वीडियो ऑन करने के लिए तभी हो गया कोई था। ठीक इशू है नहीं है। सर, ठीक है बेटा, ठीक थैंक ठीक यू है। सर। ओके ओके। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। ओके, सो जस्ट शेयर यू द फाइल फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो आज हम लोग कर्ल डिस्कस कर रहे थे। कर्ल आपको मैंने बताया था, ठीक है। सो अभी हमने जस्ट लेक्चर लिया है, तो आई एम जस्ट शेयरिंग विद द फाइल, नोट्स फाइल जो अभी हमने बच्चों को कराई है, ठीक है। तो मैं वही फाइल आप लोग को शेयर करता हूँ, बाकी उसमें रिलेटेड जो भी डिस्कशन है हम लोग आप लोग से आपसे करेंगे, ठीक है। जस्ट वेट। ये फाइल बेटा सभी को दिख रही है? देखिए जो शेयर किया है मैंने, यस सर। ठीक है। कल हमने आपको कर्ल की डेफिनेशन लिखवा दी थी। एक्चुअली अभी मेरा जस्ट एक लेक्चर था, उसमें मैंने ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं, इसलिए मैंने ये फाइल आपको शेयर कर दी। बताइए बेटा, कल जो हमने कर्ल की डेफिनेशन लिखाई थी वो आप लोगों ने नोट कर लिया था? यस एक सर। डेफिनेशन और थी लास्ट में, जो देख लीजिए आप लोगों ने नोट किया है कि नहीं किया है, वो भी मैं बता देता हूँ। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। ये डेफिनेशन नोट करिए। हाँ, नो सर। तो ये नोट कर लीजिए। ये जो आपने पहली एक डेफिनेशन लिखी होगी जिसमें फॉर्मूला वगैरह आपने लिखा होगा, फॉर्मूला हमने बताया था एक, है यस ना, सर। कर्ल ए इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू लिमिट डेल एस टेंस टू जीरो, है ना, इंटीग्रेशन एल ए डॉट डी एल अपॉन डेल एस बाहर एन कैप, ये हमने कल बताया था, सर। ठीक है। इसके नीचे एक और डेफिनेशन है, वो भी लिख लीजिए, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट भी है, तो कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए देखिए, द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। लिखिए, मैं बोल रहा हूं, फटाफट लिखिए। द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ इन ए डायरेक्शन एट राइट एंगल्स, इन ए डायरेक्शन एट राइट एंगल्स टू द फील्ड, इन ए डायरेक्शन एट राइट एंगल्स टू द फील्ड एंड इज ए मेजर ऑफ समथिंग, एंड इज ए मेजर ऑफ समथिंग इन ए स्मॉल वॉल्यूम, इज ए मेजर ऑफ समथिंग इन ए स्मॉल वॉल्यूम सराउंडिंग ए पर्टिकुलर पॉइंट, सराउंडिंग ए पर्टिकुलर पॉइंट, फुल स्टॉप, ठीक है। इसके बाद फॉर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिखा रहा हूं, ठीक है, मैं एक मिनट में खुद भी नोट कर देता हूं। नोट पैड दिख रहा है सभी को जो मैंने शेयर किया है अभी? तो यस मैं नोट कर देता हूं, ये आप लोग भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। मैं नोट कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, एरो बना के मैं नोट कर रहा हूं। फॉर, देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। फॉर, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, फॉर कंजर्वेटिव और इरोटेशनल, फॉर कंजर्वेटिव और इरोटेशनल फील्ड कॉमा द कर्ल इज
जीरो। क्लियर, समझ में आया? फॉर कंजर्वेटिव और इरोटेशनल फील्ड द कर्ल इज जीरो। ठीक है, लिख लिया लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें न्यूमेरिकल भी है, मैं आज एक न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा अभी। सर। लिख लिया सभी ने? एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आता है मैं बता देता हूँ। जैसे एक आपको वेक्टर गिवन होगा, एक वेक्टर ए गिवन है किसी भी कोऑर्डिनेट में, चाहे वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हो, चाहे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हो, चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो। ठीक है, वो उस फॉर्म में एक वेक्टर गिवन होगा और वो पूछेगा आपसे, शो दैट दिस वेक्टर इज कंजर्वेटिव और इरोटेशनल। आर यू गेटिंग? सो दैट यस दिस वेक्टर इज कंजर्वेटिव और इरोटेशनल। ये क्वेश्चन आया हुआ है केटीयू में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या निकालना हो, क्या प्रूफ करना होगा कि सर, कर लो कर्ल उसको जीरो इसका क्या मार्क्स होना पे। चाहिए। जीरो कर्ल जीरो का मतलब है, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो कर्ल ऑफ ए आपका जीरो आना चाहिए। और कर्ल ऑफ ए का मतलब क्या होता है? डेल क्रॉस ए। डेल क्रॉस ए, डेल क्या है? डेल ऑपरेटर। जो भी ए वेक्टर जिस भी कोऑर्डिनेट में दिया होगा उसके रेस्पेक्ट में डेल ऑपरेटर आप उसका रखेंगे। हमने तीनों के लिए डेल ऑपरेटर बताया था, तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए, कार्टेशियन के लिए, सिलेंड्रिकल के लिए, स्फेरिकल के लिए। तो डेल ऑपरेटर आप रखेंगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर से, ए वेक्टर जो आपको गिवन होगा। ठीक है, और उसको प्रूफ करना है कि वो जीरो के बराबर आना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन मतलब सही आया, मतलब कंजर्वेटिव या इरोटेशनल फील्ड है। आर यू गेटिंग? अगर वो जीरो के बराबर नहीं आता तो इट इज नॉट कंजर्वेटिव और इरोटेशनल, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, और एक चीज और इसमें पूछी जाती है, ये देखिए मैं वो भी बता देता हूँ। दूसरी क्या चीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए नीचे की तरफ मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड में। ठीक है, दूसरी चीज क्या पूछी जाती है एग्जाम में कि अगर वो, ये तो कंजर्वेटिव और इरोटेशनल हो गया, ये कर्ल के लिए है। ठीक है, ऐसे डाइवर्जेंस की भी एक प्रॉपर्टी थी कि डाइवर्जेंस में अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाता कि एक वेक्टर ए है, प्रूव दैट इट इज सोलेनोइडल। सोलेनोइडल, सोलेनोइडल, सोलेनोइडल को प्रूफ करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालना पड़ेगा। अगर ये जीरो के बराबर आ जाता तो आपका क्या प्रूफ हो जाएगा? ये वेक्टर क्या है? सॉलेनोइडल है। और डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या होता है? डेल डॉट ए। ये बात समझ में आ रही है? ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सॉलेनोइडल प्रूफ करने के लिए पूछेगा तो डाइवर्जेंस निकालेंगे उस वेक्टर का और जीरो के बराबर आना चाहिए, और अगर वो कंजर्वेटिव और इरोटेशनल पूछता है तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। किसी को इसमें कोई डाउट? ओके, अब हम लोग आते हैं अपने कर्ल पे। ठीक है, डेफिनेशन आप लोगों ने लिख लिया, डायग्राम वगैरह। अब हमें क्या करना है, कर्ल निकालना है तीनों कोऑर्डिनेट्स में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट्स में हम लोग को कर्ल की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया है, कर्ल ए इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसको निकालने के लिए आपको कुछ चीजें और पता होनी चाहिए, जैसे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ रूल्स, जो हमने बेसिक रूल हमने यहाँ बताया था अभी पिछली क्लास में, तो आप लोग भी देख लीजिए सामने लिखा हुआ है। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, जैसे ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, उसमें कोई डायरेक्शन का कंपोनेंट नहीं आता है। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम फिलहाल क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो डायरेक्शन है वो ए क्रॉस बी प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। इज इट क्लियर? दिस विल बी द परपेंडिकुलर टू दिस ए क्रॉस बी प्लेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ए क्रॉस बी प्लेन कौन सा होगा? ये होगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे साइन थीटा आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, यहाँ कॉस थीटा आता है। थीटा क्या है?
ए और बी के बीच का एंगल है, वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल है, ठीक है। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे तो बेसिकली हम देख रहे थे कि जब हम यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते थे सेम यूनिट वेक्टर्स का, तो हमको रिजल्ट वन मिल रहा था। क्यों वन मिल रहा था? क्योंकि कॉस जीरो अगर रखेंगे तो वन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ए एक्स का एक्स से करेंगे तो दोनों पैरेलल लाइंस है, सेम है ना, दोनों पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल जीरो होगा, तो कॉस जीरो विल बी वन, ठीक है। बाकी मॉड ए मॉड ए तो ये वन ही हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है, तो रिजल्ट आपको वन मिलेगा। लेकिन डिसिमिलर का अगर हम कर रहे थे, डिसिमिलर मतलब ए एक्स का ए वाई से, तो हमको रिजल्ट जीरो मिला। क्यों जीरो मिला था? क्योंकि इनके बीच एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए रिजल्ट जीरो मिला था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट के लिए। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में जस्ट अपोजिट होता है, अगर हम सिमिलर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उनको रिजल्ट जीरो मिलता है। क्यों रिजल्ट जीरो मिलेगा? क्योंकि अगेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ साइन थीटा होता है ना कंपोनेंट में, तो साइन थीटा में थीटा जीरो रखेंगे तो साइन जीरो इज जीरो, तो मतलब सेम अगर कंपोनेंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो रिजल्ट जीरो मिलेगा। मीन्स ए एक्स इंटू ए एक्स करेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा, ए वाई इंटू ए वाई करेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा, ए जेड इंटू ए जेड करेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा। लेकिन अगर डिसिमिलर का मल्टीप्लाई करते हैं, डिसिमिलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ रिजल्ट वन नहीं मिलेगा, रिजल्ट वन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको इस तरह से एक साइकिल आप बना लेंगे जो आप फॉलो करेंगे। कहने का मतलब है, हमने यहाँ क्लॉक वाइज डायरेक्शन दिखा रखा है कंपोनेंट्स की, ये ए एक्स कंपोनेंट है, ये ए वाई कंपोनेंट है, ये ए जेड कंपोनेंट है एट सम डिस्टेंस अपार्ट, क्लियर। ए एक्स का ए वाई से करेंगे अगर क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको ए जेड मिलेगा, ठीक है, ए वाई का ए जेड से करेंगे तो आपको ए एक्स मिलेगा, ए एक्स का ए वाई से करेंगे तो ए जेड मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अगर एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे तो रिजल्ट आपका नेगेटिव आ जाएगा। मीन्स ए एक्स का ए जेड से करेंगे तो माइनस ए वाई मिलेगा, ए जेड का ए वाई से करेंगे तो माइनस ए एक्स मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यही हमने किया है। देखिए, ए एक्स को ए वाई से करेंगे तो ए जेड मिलेगा, ए वाई को ए जेड से करेंगे तो ए एक्स मिलेगा, ए जेड को ए एक्स से करेंगे तो ए वाई मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेसिक चीजें समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये पहले तो यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन डॉट एंड क्रॉस में दोनों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में आप जब भी क्वेश्चन करेंगे अगर ये फंडामेंटल चीजें नहीं पता हैं तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी मूव टू द नेक्स्ट पेज। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एक मिनट। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं कोई? ओके, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज हमारा है, अब हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स के लिए वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये देखिए, अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर ए ले लिया, पहले क्या ले लिया, एक वेक्टर ए ले लिया, आपको दिख रहा होगा, we have just taken a vector a, a in cartesian coordinate क्या होगा, ax ax cap plus ay ay cap plus az az cap, यही होगा, बताइए। ठीक है, और चूंकि हमें इसका क्या निकालना है, हमको कर्ल निकालना है ना, कर्ल ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस ए, कर्ल ए यही तो होता है, तो डेल क्रॉस ए होता है, तो इसका मतलब है कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल ऑपरेटर। ए वेक्टर हमने लिख लिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ये होता है, और डेल ऑपरेटर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये हमने आपको बताया है, जब डेल ऑपरेटर बताया था तीनों के केस में हमने डेल ऑपरेटर की वैल्यू बताई थी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो डेल ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, ये देखिए, डेल बाय डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस डेल बाय डेल वाई इंटू ए वाई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू ए जेड कैप, इज इट क्लियर। ठीक है, तो कर्ल ऑफ ए मतलब डेल क्रॉस ए हो जाएगा, बेटा कर्ल ऑफ ए इज डेल क्रॉस ए,
डेल क्रॉस ए का मतलब डेल वाई डेल एक्स इंटू एक्स कैप प्लस डेल वाई डेल वाई इंटू ए वाई कैप प्लस डेल वाई डेल जेड इंटू ए जेड कैप एक ब्रेकेट पे, फिर बीच में क्रॉस आएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, और नेक्स्ट ब्रेकेट में ए एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड ए जेड कैप। इज इट क्लियर? अब क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे एक जो सबसे बेस्ट बेटर वे होता है सॉल्व करने का कि हम एक ऐसे डिटर्मिनेंट बना देते हैं, क्लियर? अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले वाले ब्रेकेट से पहले हम एक काम करते हैं कि जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं उसको हम ऊपर ले लेते हैं, जैसे यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन फैक्टर हमारा यूनिट वेक्टर क्या है, ए एक्स कैप ए वाई कैप ए जेड कैप, यहाँ भी ए एक्स ए वाई ए जेड है, ए एक्स ए वाई ए जेड को हमने कॉमन फैक्टर ले लिया। इज इट क्लियर? जो सबसे ऊपर आ जाए। इसके बाद इनके मैग्नीट्यूड्स क्लियर, तो ए एक्स का कंपोनेंट फर्स्ट क्या है, ए एक्स का कंपोनेंट डेल बाई डेल एक्स है तो उसके नीचे हमने डेल बाई डेल एक्स लिख दिया, ए वाई का कंपोनेंट डेल बाई डेल वाई है तो डेल बाई डेल वाई लिख दिया, ए जेड का कंपोनेंट डेल बाई डेल जेड लिख दिया। सिमिलरली इसमें सेकंड ब्रैकेट में ए एक्स का कंपोनेंट ए एक्स है, ए वाई का कंपोनेंट ए वाई है, ए जेड का कंपोनेंट ए जेड है। इसमें किसी को डाउट बताइए, यहां तक किसी को डाउट? इस तरह बना लेंगे नहीं बना लेंगे? यस सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट कॉलम जब हम ए एक्स की बात करेंगे तो यहाँ का फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है, तो यहाँ कॉर्नर वाला पॉइंट हमारा ए एक्स बचेगा जो क्रॉस करेगा, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं ना ऐसे, ठीक है, तो ए एक्स हमारा कॉर्नर पे आएगा, तो फर्स्ट हमारा ए एक्स हो गया ए एक्स, और जो कट गए उसकी बात हम नहीं करेंगे, ये दोनों नहीं कटे हैं तो इनको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्लियर? समझ में, ऐसे ही तो करते हैं। तो डेल बाई डेल वाई इंटू ए जेड माइनस डेल बाई डेल जेड इंटू ए वाई, ये आ जाएगा ब्रेकेट में, दिख रहा है सभी को? ये देखिए ए एक्स बाहर आ गया क्योंकि ए एक्स कॉर्नर पॉइंट था क्रॉस पे, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाले की हम बात करेंगे तो देखिए सेकेंड वाला जब ए वाई लेना है तो क्या करना है, ये यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, तो कॉर्नर क्रॉस कौन सा करेगा, ए वाई पे क्रॉस करेंगे दोनों लाइने, तो ये कटा ये कटा, तो ये बचा ये बचा, बचा नहीं बचा? हेलो yes, ठीक है, तो ये क्या होगा माइनस ए वाई, एक्चुअली हमने यहाँ प्लस कर दिया क्योंकि हमने माइनस अंदर कर दिया था, ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको, तो माइनस ए वाई आप सिंपल वे में लिखेंगे तो ऐसे आएगा, देखिए माइनस ए वाई ऊपर लिख रहा हूं ब्रेकेट में, जब ये वाला कंपोनेंट ले लिए तो ये डेल वाई डेल एक्स इंटू ए जेड माइनस ए एक्स डेल वाई डेल जेड इंटू ए एक्स, ठीक है, तो डेल वाई डेल एक्स इंटू ए जेड माइनस डेल वाई डेल जेड इंटू ए एक्स, यही तो आएगा बताइए? yes, ठीक है, ये माइनस है चूंकि, तो ये माइनस की वजह से क्या होगा, अगर हम इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, यही हमने किया है यहाँ पे सेकेंड वाले टर्म, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है? yes, ठीक। अब हमने तीसरा वाला कंपोनेंट लिया ए जेड वाला, तो ए जेड में ये लाइन कटेगी तो ए जेड कॉर्नर पे आ जाएगा, तो ए जेड कॉमन हो गया, अब ये और ये बचेंगे तो डेल बाई डेल एक्स इंटू ए वाई माइनस डेल बाई डेल वाई इंटू ए एक्स, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये चीज बताइए, ये हम माइनस क्यों लेते थे यहाँ पे, बीच वाले कंपोनेंट को हम माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये इससे हुआ है, ये देखिए आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े भी होंगे, नहीं याद आ रहा तो मैं बता देता हूं, जैसे अगर इवन आता है हमारा तो हमारा पॉजिटिव होता है और अगर ऑड आता है तो नेगेटिव होता है। इवन नॉट का मतलब क्या है कि जैसे देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर क्या आएगा, इवन आएगा, इसका मतलब बाहर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ऐसे ही ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, थ्री क्या है, ऑड है तो इसलिए नेगेटिव होगा, इसलिए बीस का कंपोनेंट नेगेटिव ले रहे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद थर्ड वाले को देखेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आया, इवन आया, तो अगेन इट इज पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा है सभी को?
किसी को डाउट हो तो पूछिए इसमें। तो ये रिजल्ट आपका आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कर्ल की वैल्यू, ये जो अभी हमने बताया दिस इज योर रिजल्ट ऑफ कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन, दे मे आस्क, अदरवाइज आई विल मूव टू द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई मूव टू नेक्स्ट। किसी को कुछ पूछना है इसमें? समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज हमारा क्या है, अब हम निकालेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। पेज दिख रहा है सभी को? क्लियर हो रहा है पेज? देखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम सेम चीज कैलकुलेट करेंगे, अगेन वी हैव टेकन अ वेक्टर ए इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। वेक्टर ए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा बताइए? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं रो फाई जेड, होते हैं ना? yes, तो यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आ गया, रो फाई जेड। देखिए ये देखिए ए रो, रो कैप प्लस ए फाई, फाई कैप प्लस ए जेड, ए जेड, ए जेड, जेड कैप, ये आपका एक वेक्टर हमने ए ले लिया। डेल ऑपरेटर इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है ये हमने आपको बताया है, डेल बाय डेल रो इंटू रो कैप प्लस वन बाय रो इंटू डेल बाय डेल फाई इंटू फाई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू जेड कैप। एक चीज ध्यान रखिएगा, डेल ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डेल ऑपरेटर हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए बताए हैं, उसका हर जगह यूज हो रहा है, तो वो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि डेल ऑपरेटर अगर आप भूल गए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर ग्रेडियंट आएगा तो ग्रेडियंट में भी डेल ऑपरेटर का यूज है, डेल डॉट दैट स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। ऐसे ही आपका डाइवर्जेंस में भी डेल डॉट वेक्टर क्वांटिटी, तो है ना उसके बाद कर्ल में आएंगे तो कर्ल में भी डेल क्रॉस दिस आ रहा है, तो आपको डेल ऑपरेटर याद होना चाहिए तीनों ही कोऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अदरवाइज आप अगर कोई भी क्वेश्चन इनमें से आएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। मान लीजिए स्फेरिकल कार्टेशियन तो चलो सिंपल होता है, कार्टेशियन में डेल बाई डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू ए वाई कैप या डेल बाई डेल जेड इंटू ए जेड कैप होता है, वो तो बहुत सिंपल है। लेकिन जब स्फेरिक सिलिंड्रिकल में आएंगे तो सिलिंड्रिकल में भी सिंपल ही है, सिलिंड्रिकल में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ वन बाई रो आ जाता है, बाकी ये भी सिंपल ही है, डेल बाई डेल रो इंटू रो कैप प्लस, बस ये सेकेंड वाले टर्म में बाहर वहां वन बाई रो आ जाता है, ठीक है, एंड एवरीथिंग इज सेम। तो सिलिंड्रिकल भी याद रखना थोड़ा ईजी है, लेकिन जब स्फेरिकल की बात करेंगे तो वहां पे सेकेंड और थर्ड दोनों टर्म में चेंज आते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए तीनों याद रखिए, ठीक है, तभी आपके लिए इजी पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो ये डेल ऑपरेटर हो गया। अब आपको क्या करना है, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो डेल क्रॉस ए कर दिया, तो देखिए कर्ल निकालने के लिए तो डेल बाय डेल रो इंटू रो कैप प्लस वन बाय रो डेल बाय डेल फाई इंटू फाई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू जेड कैप, क्रॉस ब्रैकेट में ए रो रो कैप प्लस ए फाई फाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगेन वी विल फॉर्म अगेन द डिटर्मिनेंट। हमारे कॉमन कंपोनेंट कौन से हैं, रो फाई जेड, तीनों में दोनों में रो फाई जेड हमने ऊपर ले लिया, ठीक। अब रो का यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकेट में रो का मैग्नीट्यूड डेल बाई डेल रो है तो डेल बाई डेल रो, फाई का मैग्नीट्यूड वन बाई रो डेल बाई डेल फाई है तो ये रख दिया, जेड का मैग्नीट्यूड डेल बाई डेल जेड है तो ये रख दिया, सेकेंड ब्रेकेट में रो का मैग्नीट्यूड ए रो है तो ए रो रख दिया, फाई का ए फाई है तो ए फाई रख दिया, जेड का ए जेड है तो ए जेड रख दिया। यहां तक समझ में आ रहा है? अगेन सिमिलर प्रोसीजर विल गेट फॉलो। रो कैप जब लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वी विल क्रॉस दिस, रो कैप लेंगे तो वन बाय रो डेल बाय डेल फाई इंटू ए जेड माइनस डेल बाय डेल जेड इंटू ए फाई आ जाएगा, आएगा बताइए, इस तरीके से बनेगा? yes,
बनेगा नहीं बनेगा? ठीक, उसके बाद सेकेंड वाले में ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा, तो माइनस फाइव कैप डेल वाई डेल रो इंटू ए जेड माइनस डेल वाई डेल जेड इंटू ए रो बनेगा, ये आ जाएगा। और माइनस को हमने अंदर कर दिया है, बाहर प्लस हो गया, ये वाला टर्म माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है, जैसे पिछले वाले में बताया था। ठीक है, थर्ड वाले में ये और ये, तो मीन्स जेड कैप और ये कैंसिल हो गया, ये माइनस ये हो जाएगा, मीन्स डेल वाई डेल रो इंटू ए फाइव माइनस वन बाई रो डेल बाई डेल फाइव इंटू ए रो, ये आ जाएगा थर्ड कंपोनेंट। ये समझ में आ रहा है? ये एक जो टर्म लिखी हुई है ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमने एक्चुअली इसी से लिखा है। हमने इसमें क्या किया है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, हमने यहाँ इस रो से मतलब किसी अगर हम एक कॉलम में या रो में कॉमन लेते हैं कोई कंपोनेंट तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सिस्टम पे। तो देखिए हमने क्या किया था, यहाँ वन बाई रो कॉमन ले लिया था, ठीक है, ये बीच वाले से, जब वन बाई रो यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ रो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे कॉलम में और हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ वन रो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ रो मल्टीप्लाई होगा और यहाँ वन बाई रो चूंकि कॉमन है ले लिए तो यहाँ वन आ जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये हमने बताया था बच्चों को। अगर आपको नहीं याद है तो ये सब मत करिए, आप डायरेक्टली इसी को सॉल्व करिए तो भी आंसर सही आएगा। समझ में आ गया ये? Yes, तो आपको अगर प्रॉपर्टीज नहीं आते हैं, आप भूल गए हैं मैथमेटिक्स में, तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली यही इसी को सॉल्व करिएगा जो कि मैंने नीचे कराया है, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा नहीं गलत हो जाएगा ये सब करने के चक्कर में, तो फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, मैं इसको काट ही दे रहा हूँ, आप दिमाग मत लगाइए, सीधे इसको सॉल्व करिए, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। Yes, sir. आते हैं नेक्स्ट पेज पे, अब हम लोग स्फेरिकल के लिए निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे बेटा, स्फेरिकल के लिए, ठीक है, स्फेरिकल के लिए क्या आएगा, देखिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अगेन वी हैव द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दैट इज ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप, क्लियर। नाउ यू नो द डेल ऑपरेटर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, यही होता है डेल ऑपरेटर, देखिए यही हमने बताया था कि इसमें थोड़ा सा सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट में चेंज आ जाता है, देखिए यहाँ वन बाई आर आ रहा है, यहाँ वन बाई आर साइन थीटा आ रहा है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल में वन बाई रो आ रहा था बीच में, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, फर्स्ट और थर्ड कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा आपको ये डेल ऑपरेटर याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नहीं याद होगा तो आप कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको फिर से क्या करना है, डेल क्रॉस ए करना है, अगेन यू विल डू डेल क्रॉस ए, तो डेल की वैल्यू पहले ब्रैकेट में लिख लिया हमने, डेल इज व्हाट, डेल बाय डेल आर आर कैप प्लस वन बाय आर डेल बाय डेल थीटा थीटा कैप प्लस वन बाय आर साइन थीटा डेल बाय डेल फाई इंटू फाई कैप क्रॉस ए आर आर कैप प्लस ए थीटा ई थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप, क्लियर। नाउ अब हमने अगेन जिनमें यूनिट वेक्टर्स कॉमन थे दोनों ब्रैकेट में, हमने उसको टॉप पे ले लिया, आर कैप थीटा कैप फाई कैप, इसका जो मैग्नीट्यूड था वो क्या है, आर का मैग्नीट्यूड डेल बाय डेल आर है तो डेल बाय डेल आर, थीटा का मैग्नीट्यूड वन बाय आर डेल बाय डेल थीटा तो ये ले लिया, फाई का मैग्नीट्यूड वन बाय आर साइन थीटा डेल बाय डेल फाई है तो वो ले लिया, सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट में आर का मैग्नीट्यूड ए आर है तो ए आर ले लिया, थीटा का ए थीटा थीटा ले लिया, फाई का ए फाई है फाई ले लिया, इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम वही काम फिर करेंगे, ब्रैकेट को मतलब इसको हमें सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे, तो आर कैप जब लेंगे तो ये लाइन कटेगी, आर कैप कॉमन आएगा, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका इससे मल्टीप्लीकेशन तो ये आ जाएगा आपका, ठीक, सेकेंड वाले में माइनस थीटा कैप, ये सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो जाएगा तो थीटा कैप कॉमन आएगा, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और माइनस को अंदर कर देंगे यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और बाहर प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। थर्ड वाले में ये कटा तो फाई कॉमन आ गया, तो फाई कैप कॉमन आ गया, अब इसका इससे मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका इससे मल्टीप्लीकेशन तो ये आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कर्ल। कोई डाउट किसी को इसमें अभी तक?
तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने आपको कर्ल बता दिया, इसमें किसी को कोई डाउट बताइए। हेलो, किसी को कोई डाउट है बेटा अभी तक? नो सर। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कर्ल से, कर्ल से बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी आप देखेंगे इसमें कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं और आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रूफ करने के लिए बहुत सारे आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये मान के चलिए 101% इससे क्वेश्चन आना है, डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और ये कर्ल। इवन इसके आगे स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे आप, वो सब इसी से लिंक करते जा रहे हैं। डेल स्क्वायर ऑपरेटर पढ़ेंगे जिसको हम लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं, वही आपका इस यूनिट का लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है, तो मतलब वहां तक आप देखेंगे तो हर चीजें एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, वैसे भी डेरिवेशन भी आ सकता है, पूछ लेगा फाइंड आउट कर्ल, डिफाइन कर्ल ऑफ ए वेक्टर एंड फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ कर्ल फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, समझ रहे? तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज भी हम बता दे रहे हैं आपको, प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए। देखिए, प्रॉपर्टीज लिख के हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज, और मैं बोल देता हूं उसको नोट कर लीजिए। पहली प्रॉपर्टी नोट करिएगा बेटा, द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज अनदर वेक्टर फील्ड, सामने लिखा भी हुआ है, द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज अनदर वेक्टर फील्ड, मतलब किसी वेक्टर का कर्ल आप निकालेंगे तो आपको वेक्टर ही मिलेगा। आर यू गेटिंग? कर्ल ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। डाइवर्जेंस अगर हम निकालते हैं स्केलर का तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है बताइए? डाइवर्जेंस ऑफ ए स्केलर निकालते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? वेक्टर, वेक्टर सर। वेक्टर मिलता है। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर निकालते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। ये सब चीजें याद रखिए, आपके जुबान पे होनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज में आते हैं सब। जब आपसे पूछा जाएगा ना प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस क्या है, तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेडियंट क्या है, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। क्लियर? ये सब भी आपको जुबान पे होते। प्रॉपर्टी ऑफ कर्ल, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज वेक्टर। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए, कर्ल मेजर्स द ट्विस्ट ऑफ ए वेक्टर। कर्ल मेजर द ट्विस्ट ऑफ ए वेक्टर, लिखा भी हुआ है सामने। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, कर्ल मेजर द ट्विस्ट ऑफ ए वेक्टर फुल स्टॉप, व्हिच इज द रीजन ऑफ, लिखिए, ए रीजन ऑफ हाई कर्ल इज ए वर्लपूल, WHIRLPOOL, ए रीजन ऑफ हाई कर्ल इज ए वर्लपूल, WHIRLPOOL। थर्ड पॉइंट लिखिए, व्हेन ए रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, व्हेन ए रिजिड बॉडी, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दृढ़ पिंड, हिंदी में ही बोलते हैं ना रिजिड बॉडी को, बताइए, जो लोग यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे वो पढ़े होंगे। व्हेन अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, द कर्ल ऑफ ए लीनियर वेलोसिटी, द कर्ल ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन द बॉडी, नोट कर रहे हैं सभी लोग? यस सर।
ये नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट टर्म्स है. द कर्ल ऑफ द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन द बॉडी रिप्रेजेंट्स ट्वाइस इट्स एंगुलर वेलोसिटी. रिप्रेजेंट ट्वाइस इट्स एंगुलर वेलोसिटी. रिप्रेजेंट ट्वाइस इट्स एंगुलर वेलोसिटी. देखिए इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है सामने, कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा. ओमेगा क्या? एंगुलर वेलोसिटी. कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है जो किसी सेंट्रल एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, रोटेट कर रही है फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड, तो उसका जो लीनियर वेलोसिटी होगा किसी पॉइंट पे, वो बता देता हूं डायग्राम के थ्रू. देखिए जैसे ये मान लीजिए ये है, ठीक है, ये हमारी सेंटर एक्सिस है, इसके चारों तरफ ये बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारी एक्सिस है मान लीजिए, ठीक है, इसके चारों तरफ रोटेट कर रही है, जेड एक्सिस है मान लीजिए. तो यहाँ पे जो इसका लीनियर मोमेंटम होगा बेसिकली जो इस पाथ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो. तो कहने का मतलब क्या है कि जो लीनियर वेलोसिटी होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, आप किसी भी पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी अगर निकालते हैं डिस्क का, रिजिड पिंड का, रिजिड बॉडी का, ठीक है, तो आपको जो मिलेगा वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू द, यू कैन से कर्ल ऑफ दैट लीनियर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ दैट एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी को हिंदी में कोणीय वेग कहते हैं, या इंग्लिश में इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ट्वाइस ऑफ ओमेगा. इज इट क्लियर? ठीक है. फोर्थ पॉइंट आपका है, फोर्थ पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट है ये, द कर्ल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड एट नियर बाई पॉइंट. द कर्ल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड एट नियर बाई पॉइंट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर. The curl of a magnetic field at nearby points of a current carrying conductor represents the current flowing per unit area, represents the current flowing per unit area to that point. To that point, it means curl of B is a magnetomotive force. Curl of B is a magnetomotive force. लिखा भी हुआ है fourth line में, ठीक है. अब हमारा एक curl का portion पग over हो गया, ठीक है. अब इस पे numericals हैं, एक numerical मैं आप लोग को दे रहा हूँ, तो इस numerical को आप लोग अभी करिए just तुरंत, ठीक है. तो मैं note कर लिया सभी ने जहां तक बताया मैंने. एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये देखिए लिखा भी हुआ है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है. वेरीफाई दैट द वेक्टर फील्ड ए इज इरोटेशनल एंड सोलेनोइडल. ये प्रूफ करना है आपको. क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? इस क्वेश्चन को जरा तुरंत सॉल्व करिए. वेरीफाई दैट द वेक्टर फील्ड ए, ये वेक्टर फील्ड है y z ax cap plus z x a y cap plus x y a z cap. इसको प्रूफ करना है कि ये इरोटेशनल है एंड सोलेनोइडल है. इरोटेशनल की जगह अगर कंजर्वेटिव दिया होता तो भी वही मीनिंग है. कंजर्वेटिव एंड इरोटेशनल आर सेम, ठीक है ना, इसी ध्यान रखिएगा. एंड सोलेनोइडल, सोलेनोइडल के लिए कंडीशन हमने है, सोलेनोइडल है सर, प्रूफ हो गया. सोलेनोइडल के लिए देखिए कंडीशन है डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, और ये रोटेशनल की कंडीशन है कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो. दोनों जरा प्रूफ करिए, और मीटिंग टाइम ओवर हो रहा है, सभी लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए एक बार, ठीक है. और इसको उसी में सेकंड अभी ज्वाइन करेंगे उसमें हमें करके बताइए फटाफट सर. इरोटेशनल भी और सोलेनोइडल भी सभी का आ रहा है सॉल्व करने पे. ये क्वेश्चन नेगेटिव में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा. कैसे आते हैं क्वेश्चन, इवन गेट के पेपर में भी क्वेश्चन आता है. गेट का जो पेपर